तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक की। आज इस स्टॉक में 1.50% की तेजी है और ये जो स्टॉक है 1325 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 5 डेज में 12% की बढ़िया ब्रेकआउट हो गई है और 1 मंथ में भी ये जो स्टॉक है 28% के हिसाब से बढ़ चुका है। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम इसके चार्ट में बना हुआ है। 6 मंथ में 45% जबकि 1 ईयर में 18% के रिटर्न हैं, लेकिन 5 ईयर्स में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है, नियरली 200% के राउंड रिटर्न है। लेकिन अभी भी ये जो स्टॉक है ना, ये अपने हाईएस्ट लेवल से बहुत ही नीचे डिस्काउंट कर रहा है। अब देख सकते हो, पहले इसमें एक अच्छी तेजी आई थी, फिर बड़ी गिरावट के बाद अब इस स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन के बाद फिर एक रिवर्सल दिख रहा है। तो यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हो, ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न जो है वो देता दिखाई दे सकता है। तो आइए इसके नंबर्स पहले स्टडी कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस का डाटा, फंडामेंटल्स का डाटा देखेंगे। तो नए आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पे, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे ही आपको निवेश की राय देते हैं। तो आइए सबसे पहले पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल स्टडी करते हैं। दोस्तों जून में देखो, इसका जो रेवेन्यू था, पहले रेवेन्यू 1.69 करोड़ आया है, यहाँ पे 8% की ग्रोथ हो गई है। लेकिन नेट इनकम में बॉटम लाइन में 1800% से ज़्यादा ग्रोथ आई है ऑन ए वाई ऑन वाई बेसिस। तो कंपनी का जो नेट इनकम है 53 करोड़ आया है। डिल्यूटेड EPS 1800% के हिसाब से बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1690% के हिसाब से बढ़ गए और 3.8% आए हैं। तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए ही दोस्तों इसमें री रेटिंग आ रही है। यहाँ पे भी देखो, डिफरेंट ब्रोकरेज की तरफ से इस स्टॉक पे जो है वो फोकस करने की जो है वो राय दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या जो है वो पोजीशन कॉल की दी गई है, क्या इसके टारगेट दिए गए हैं, क्या इसके स्टॉप, क्योंकि दोस्तों नंबर्स बहुत ही बढ़िया आ चुके हैं। कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स पे आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से इस स्टॉक पे पोजिशनल कॉल जो है वो दी गई है। हम इसका टारगेट आपके साथ जरूर शेयर कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, इसकी पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे एक लॉन्ग पोजीशन की कॉल दी गई है। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये, लॉन्ग टर्म की कॉल है और इसमें खरीदारी की जो कॉल है वो दी गई है। और पिछले 2 महीने से ये स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट किया है, जैसे हमने चार्ट में दिखाया है, पहले नीचे गिर के एक ब्रेकआउट दिया है और लगातार 3rd महीने स्टॉक ने हाई लो पर परफॉर्मेंस बनाते हुए दिख रहा है। इसलिए इसमें लॉन्ग, जैसे हमने चार्ट में पहले दिखाया है, पहले गिरावट हो रही थी तो लेकिन अब एक रिवर्सल आया है। दोस्तों इसके टारगेट प्राइस 1600 से लेके 1650 तक के रह सकते हैं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1250 के अराउंड लगाना है। तो यहाँ पे आपको 27% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 25 से लेके 30% तक के रिटर्न्स यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के 1250 के डाउन स्टॉप लॉस लगा के और जो है 1650 तक के टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यदि इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो यहाँ पे भी देखो, ये स्टॉक अब हायर हाइज एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन करता दिखाई दे रहा है। एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंटिन्यूसली ये स्टॉक का हायर एंड हायर बॉटम्स जो है वो बनाता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसे नंबर सही आ गए हैं, ये स्टॉक इसी तरह का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और वैल्यूएशन भी इसकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है और लॉन्ग टर्म में कंपनी के नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। 0-on-0 बेसिस पे भी लॉन्ग इस कंपनी के नंबर अच्छे ही रहे हैं। अब इसका बिजनेस देखो, कंपनी जो है पॉलीएस्टर जो है वो टैरिफ थलेट प्लेट्स बनाती है, PET फिल्म्स बनाती है। तो कंपनी जो है वो पॉलीएस्टर में जो है अच्छा बिजनेस करती है। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक रेंज प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग पोजीशंस के लिए आप इसको फोकस में रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में जैसे हमने आपको बताया है वैसे करें। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, नए आयो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स अगेन।